हाउ आर यू बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? वेलकम टू फन एंड लर्न होम लर्निंग। बच्चों, आज हम वन लिटल किटन का पार्ट टू, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। सो आपकी इंग्लिश की मैरीगोल्ड की बुक लेके बैठ जाओ एंड मैं आपको सिखाना शुरू करती हूँ। तो ओपन योर मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक एंड लेट अस स्टार्ट। सो किड्स, આજે આપણે તમારી ઇંગ્લિશની સ્ટાન્ડર્ડ ફર્સ્ટની જે મેરીગોલ્ડની બુક છે એમાં આપણે આ એક્સરસાઇઝ વિશે શીખીશું કે જે મેં તમને પોએમ સમજાવી હતી, રાઈટ? તો આ પોએમ મેં તમને સમજાવી હતી, તો હવે આપણે એનું આજે સોલ્યુશન જોઈશું પાર્ટ ટુમાં। તો આપણે સોલ્યુશન શરૂ કરીએ। તો ઓપન યોર ઇંગ્લિશ ટેક્સ્ટ બુક એન્ડ લેટ અસ સ્ટાર્ટ। એમાં ફર્સ્ટ છે, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्रीचर्स आर देयर इन द पोयम। तो ये जो पोयम में आपको ये जो क्रीचर्स दिख रहे हैं, क्रीचर्स का मतलब क्या है बच्चों? ये सारे एनिमल। तो एनिमल कितने थे? तो देर आर 15 क्रीचर्स इन द पोयम, राइट? तो कितने एनिमल्स थे? 15 थे। सेकेंड नंबर, आर द सील्स हैप्पी? क्या वो सील्स खुश थी? हैप्पी का मतलब है खुश। तो नो, द सील्स आर नॉट हैप्पी, कि सील्स वो खुश नहीं थी। आप देख सकते हो इसमें कि दिखाई दे रहा है ये पोयम में कि सील्स हैप्पी थी, सो नो, राइट? आगे देखते हैं, वेयर डू द फिश लीव? फिश कहाँ रहती है? तो फिश लीव इन द वॉटर। फिश कहाँ रहती है बच्चों? फिश तो पानी में रहती है ना, उसको तो बहुत मज़ा आता है पानी में, वो खुश रहती है पानी में, राइट? सेकेंड, वॉट आर द अदर थिंग्स फाउंड इन वॉटर? तो अदर थिंग्स फाउंड, आपको पानी में और क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है? तो पानी में क्या होता है? पेबल्स होते हैं, राइट? पेबल मतलब कंकड़ होते हैं। फिर वॉटर एनिमल्स होते हैं दूसरे भी, ऐसे जैसे पानी में जैसे फिश रहती है और ऐसे दूसरे भी वॉटर एनिमल्स रहते हैं, जैसे मैंने आपको पोएम में समझाया था सील्स और वो सब भी, राइट? तो पेबल्स, फिर प्लांट भी होते हैं पानी के अंदर। तो पेबल्स, प्लांट, वाटर एनिमल्स, राइट? ओके। थर्ड नंबर, देर आर मैनी क्रीचर्स इन पोयम, विच वंस हैव यू सीन? तो आपने जो पोयम में जो क्रीचर्स है उसमें से कौन कौन से आपने ये एनिमल देखे है बताओ? आपने इसमें से कोई एनिमल देखा है? तो आपने एलिफेंट को देखा है? यस, तो एलिफेंट। फिर ये बटरफ्लाई को देखा होगा, बटरफ्लाई। फिर कैट है ना, राइट? तो ये सब एनिमल को आपने देखा है। ओके बच्चों, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर की मैं आंसर के साथ पीडीएफ भी भेजूंगी, तो ये आपको ये क्वेश्चन आंसर सिर्फ आपको ये एक दो और ये जो क्वेश्चन आंसर है पांच, वो आपकी इंग्लिश की नोटबुक में लिखने के हैं, राइट? और ये सब एक एक्टिविटी आपको सिर्फ मैं एक्स्ट्रा है वो जो सिखाती हूँ कि आपको ये चार फेसेस दिख रहे हैं। तो उसमें पहला फेसेस क्या दिख रहा है आपको? कि ये बच्चा सैड है, बहुत ही सैड है। सैड का मतलब क्या है? उदास। फिर ये क्या है, क्या दिखा रहा है, कौन बताएगा? ये ब्रेव है, मतलब ये बहादुर है, ऐसा दिखा रहा है। फिर ये क्या है? नर्वस है। नर्वस मतलब उसको एकदम वो नर्वस है, कंफ्यूज है वो। फिर ये लड़की क्या दिखाई दे रही है? हैप्पी। तो हैप्पी मतलब खुश दिखाई दे रही है ना। ओके, अब ये एक्सरसाइज है। तो इसमें क्या है बच्चों? किटन का के, तो आपको ऐसे ट्रेस करना है किटन का के। फिर ये बटरफ्लाई का बी, तो वो भी आपको ऐसे ट्रेस करके लिखना है। सी फॉर कैट, फिर आर फॉर रेड, एफ फॉर फिश, एस फॉर सील, एस फॉर सीगुल, राइट? फिर ई फॉर इल, एल फॉर लिजार्ड, लिजार्ड मतलब छिपकली, बी फॉर बी, बी मतलब मधुमक्खी, ई फॉर एलिफेंट, ए फॉर एलिगेटर मतलब मगर, फिर डी फॉर डोंकी एंड डब्ल्यू फॉर वेल, राइट? डब्ल्यू फॉर वेल। सो आपको बच्चों ये पूरा समझ में आया होगा, राइट? अब आपको ये सारे वर्ड बोलने हैं, तो आप कैसे बोलोगे बच्चों? ए एम एम, आई टी एट, ओ एन ऑन, ए डबल एल ऑल, बट, डी ओ जी डॉग, ओ एन ई वन, एस ए डब्ल्यू सो,
T-R-Y try. H-E-V-M-E-M-E-S-O-S-O-A-N-D-N C-A-N can. Fat मतलब मोटा है ना, कोई मोटा लड़का होता है उसको क्या बोलते हैं हम, fat. P-I-G pig. S-I-T sit मतलब बैठना. T-W-O-2 I-F-E my. Too bad. Cat late. Ran sun was. In no us big cry मतलब रोना. Mat मतलब मिलना. Red मतलब लाल कलर. फिर tan और wet, wet मतलब गीला. फिर ये is of we मतलब हम लोग. Bit day मतलब दिन. Not sad मतलब उदास. The और you, you मतलब आप या फिर मैं. ओके ये सेकेंड एक्टिविटी है. अब ये देखो ये क्या है, ये बैग है तो आपको बैग के स्पेलिंग के साथ ऐसे ज्वाइन करना है. फिर ये टीन, तो टीन कहाँ दिख रहा है आपको, तो ये आपको ऐसे ज्वाइन करना है. फिर ये हैन, तो हैन कहाँ है बच्चों, तो ऐसे आपको यहाँ पे मिलाना है. फिर पेन, तो पेन कहाँ है, ये रहा, तो ऐसे आपको मिला देना है. टैप, तो टैप मतलब नल, तो ऐसे नल से मिला देना है. राइट, टैप को ऐसे नल से मिला देना है. फिर एक्स, एक्स मतलब कुहाड़ी. फिर एंट मतलब चींटी, चींटी मतलब ये रहा. फॉक्स मतलब वो सियार. कैप का मतलब है ये टोपी. और कोट मतलब ऐसा पलंग. राइट, आपको ये सब ऐसे स्पेलिंग लिख देने के. बैग, हैंड, टैप, कैप, टीन, कॉट, एंट, पेन, एफ ओ एक्स, फॉक्स, ए एक्स सी एक्स. ओके बच्चों, तो आपको ये सब एक्सरसाइज अपनी टेक्स्ट बुक में आज के होमवर्क में लिखनी है. राइट, तो आपको ये मज़ा आया ना एक्टिविटी में. राइट, आगे के चैप्टर में हम फिर से मिलेंगे. ये आपका होमवर्क रहेगा. आपको ये इस क्वेश्चन आंसर मैं सॉल्यूशन के साथ भेजूंगी, तो आपको अगर वो उसमें से देख देख के लिख देने के. राइट बच्चों, तो टेक केयर एंड बाय बाय.